हाय, मैं हूँ मलिष्का एंड वेलकम टू मुंबई की थग लाइफ। चड्डी बनियान गैंग, गोल्डन ग्लव गैंग, तेलिया गैंग, इन गैंग्स के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने एयरपोर्ट की टैक्सी गैंग के बारे में सुना है? ये वो टैक्सी वाली गैंग है जो आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये वो गैंग है जो आपको तब अप्रोच करते हैं जब आप गलत टर्मिनल पर उतरते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टर्मिनल से आपको इंटरनेशनल टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, जहां आपको 80-100 से ज़्यादा नहीं पड़ने चाहिए, वहां पर वो 500 से लेकर 3500 की मुंह मांगी कीमत मांग लेते हैं। यही जानने के लिए मैंने अपने मलिष्का के बॉयज़ को भेजा डोमेस्टिक टर्मिनल एज टूरिस्ट, यू नो, और ये पूरी शूटिंग हिडन कैमरा के जरिए की गई है। रेड एफएम पे सुन के फटफट अपनी आंखें खोलो खोलो, रेड एफएम पे सुन के फटफट अपनी आंखें खोलो। आगे मुंबई की ठग लाइफ, ठग लाइफ, ठग लाइफ, यह है मुंबई की ठग लाइफ, ठग लाइफ, हां हां मुंबई की ठग लाइफ, ठग लाइफ। मतलब 2500 में तुमको रेट सब समझा देता हूँ। ये नॉन एसी का 450 है, 600 है। कहाँ पे लिखा है भाई? ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या सर, साढ़े छह सौ इससे चलो ना आप। प्रीपेड टैक्सी सर्विस, प्रीपेड है, नॉन एसी में जाओगे 450। लेकिन प्रीपेड हमने ये किधर किया? बिल आपको मिल जाएगा ना, तभी तो हम लोग डायरेक्ट आप बिल दे रहे। अगर प्रीपेड करने जाते तो आपको तो फ्लाइट भी मिस हो जाती थी। तो कितना होएगा? 450 होएगा अभी। हाँ, यहाँ से 9 किलोमीटर है। बहादुर है। नहीं सर, 9 किलोमीटर क्या, 9 किलोमीटर कहाँ पे है? अरे भाई, 9 किलोमीटर है, किलोमीटर देख के जाओ आप, अपना खुद आपको मालूम पड़ जाएगा 9 किलोमीटर है। अरे सर, ये राइट मार के एक ब्रिज पकड़ के जाने का सामने, हम लोग सिर्फ गलती से यहाँ पे आ गए सामने, फिर पैदल है तो। अरे सर ऐसा मत करो सर, प्लीज लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट 450 बोल रहा हूँ, 4000 नहीं बोल रहा हूँ आपको। अरे लेकिन वो भी ज्यादा है ना सर, 70-80 रूपए ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 रूपए होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 रूपए होता है। अरे यार लेकिन अभी चल फ्लाइट चली जाएगी सर, प्लीज सर। 110 रूपए तो पार्किंग चार्ज जहाँ गाड़ी खड़ी हम लोग को देना पड़ता है सर। लेकिन ये 450 सर, तो 450 बहुत ज्यादा है मेरे के हिसाब से, 3.5-3.5 किलोमीटर है। ओफो, आप नहीं जा पाओगे भाई, इतना बहस कौन सुबह सुबह आपसे करेगा। अरे यार सर ऐसा मत करो सर, नॉर्मल चार्जेस लेगा टैक्सी के। यहाँ 300 रूपए रिक्शा वाले लेते, नीचे छोड़ते है, ये एयरपोर्ट है सर। ऐसा मत करो सर, प्लीज सर, आपको 450 में हम भेज रहा हूँ तो नहीं जा रहे हैं तो क्या बताऊंगा? अभी क्या करे बे सर, प्लीज देखो ना, 400 दे दो भाई, और क्या कम कर सकते हो, और क्या बोलो। अरे यार पागल है क्या, 400 रूपए यार, लेकिन खाली सर ज्यादा नहीं हो जाएगा इतने से डिस्टेंस के लिए? इतने से क्या कर लेंगे भाई? नहीं भाई अभी क्या सीन, अभी निकल जाएगा, निकल जाए, निकलो भाई, निकलो निकलो, चलो चलो। 2500 नहीं है मेरे पास, हमारा 1000 दे दो ना भैया, लो जब 2500 नहीं है तो चलो ना भाई, छोड़ दो ना। हाँ पेमेंट कर दो, हम जा रहे हैं, पेमेंट मैं इसको करता हूँ ना। नहीं प्रीपेड है भाई, यहाँ पेमेंट करना पड़ता है। कितना? 400, ये लो, हो गया 400। हाँ सर बिल, हाँ मेरे को रिसिप्ट दे दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सलीम जी। अरे सर लेकिन 3 किलोमीटर का आप 1000 रूपए अगर कोई लेगा, 500 नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ज्यादा है ना भाई, आप कम में ही जा रहे हो। क्यों नहीं तो ज्यादा लगता है? कितना लगता है? लेके जाती है भाई पैसा, अभी आपको जरूरत है, जरूरत के ऊपर। मेरे को एक टैरिफ कार्ड दिखाया गया, उस टैरिफ कार्ड में 500, 600, 900, 1000 रुपए का था। ये फेक है, ये फेक है, फेक फेक। आपका पैसा रेट कार्ड के ऊपर रहता है, रेट कार्ड में लिखा है जैसे 600 है, 900 है, 1500 है, 2100 है। कितना किलोमीटर है तेरे हिसाब से वो डिस्टेंस? मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर का 2100 रूपया। गैंग ऐसा ऑपरेट करता है कि वहाँ पे बंदे लोग खड़े रहते हैं पैसेंजर को पकड़ने के लिए कि किसकी कहाँ के लिए भाड़े है। आज के डेट में डोमेस्टिक से फ्लाइट नहीं है, एयर इंडिया, विस्तारा, जेट एयरवेज, टोटल इंटरनेशनल चली गई है। उनको ये पता है कि गलती से जो इधर आएगा, जिनकी फ्लाइट छूटने वाली है या जल्दी पहुँचाना है अर्जेंट में, उनको पकड़ के आपको कहाँ जाना है इंटरनेशनल T2 बोल के ले बिठाते है गाड़ी में, उनसे भाड़े ज्यादा ले। उस हिसाब से होता है, पैसेंजर देख के कि कौन सा पैसेंजर पैसा दे देगा, इस हिसाब से होता है। ये फिलहाल मेरे नज़र में तो 3 गैंग है इधर, एक का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2 तो फेमस है एयरपोर्ट के अंदर, खान और इमरान।
अभी प्लान यही है कि फिलहाल अभी इतने टाइम को अभी जो ड्यूटी है ये ड्यूटी दूंगा मैं, उसके बाद कल से मैं ये काम बंद। तेरे जेब में कुछ पैसा जाता है जो मतलब लूटने का काम है? मेरे जेब में पैसा नहीं आता है, ये सारे पैसे उनके पास ही जाते हैं जो मेन बॉस लोग हैं। मेरे को तो मेरी ड्राइविंग की पगार मिलती है, कभी 400 मिलती है, कभी 300 मिलती है, कभी 500 मिलती है, कभी 600 मिलती है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलता है। आपको मुझे पकड़ना है, अभी देना है, पुलिस को दे दो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पुलिस को दोगे मुझे चार्ज मार के छोड़ देगी, कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको। बाकी जो बॉस लोग है उन लोग को अगर आप अरेस्ट करवाते हो, उनके ऊपर एक्शन लेते हो, तो बेनिफिट है, ये काम बंद हो सकता है। आगे मुंबई की ठग लाइफ, ठग लाइफ, ठग लाइफ, यह मुंबई की ठग लाइफ, ठग लाइफ। मुंबई लोकल में आपका पड़ोसी या घर आया कोई मेहमान या फिर ऑफिस में आपका कोलीग, ये कहीं भी हो सकते हैं। पैसे कमाने की रेस में न जाने कहां मिलेंगे ये ठग, किस भेस में। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए कैच अस ऑन आवर वेबसाइट redfmindia.in एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर @redfmindia। बजाते रहो 93.5।